दिल्ली एनसीआर में बारिश होने से और हवा की गति में मामूली वृद्धि होने से प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी आई है। पिछले दो तीन दिन से तेजी से आंकड़ों में कमी दर्ज की गई है। फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब बना हुआ है। वहीं बात करें मौसम विभाग की तो वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि हवाओं में परिवर्तन से प्रदूषण में कमी आ सकती है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को वायु प्रदूषण से राहत कब तक मिल पाएगी, इसी को लेकर मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव से बात की हमारे संवाददाता भावना अरोड़ा ने। मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद है। सर, देखा जाए तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही थी कि बारिश हो तो प्रदूषण कम हो, लेकिन जिस तरीके से अभी हल्की बारिश हो रही तो कैसे में उम्मीद की जा सकती है कि दिल्ली का पोल्यूशन लेवल कम होगा? देखेंगे, लास्ट 3 डेज में हमारे पास बेटर था, एयर क्वालिटी बेटर थी, लेकिन चूंकि अभी रेनफॉल हमारे पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हो रही है, तो जब हमारे पास लाइट रेनफॉल होती है, हल्की रेनफॉल होती है, उस समय हमारे पास एयर क्वालिटी इम्प्रूव नहीं करती है। जब हमारे पास या तो तेज़ रेनफॉल हो या तेज़ हवाएं चले, तो फिलहाल ये मान सकते हैं कल से थोड़ी हमारे पास एयर क्वालिटी डिटोरेट हुई होगी। सर, क्या लगता है, क्योंकि पीछे नक्शे में भी देखा जाए तो पिछली बार भी आपसे मेरी बात हुई थी और इसी तरीके से आपने बताया था कि बारिश होने की उम्मीद है, बारिश हो रही है, क्या लगता है आने वाले दिनों में तक कितने दिन तक ऐसे जो है आसार बनने वाले हैं, और जो इंडेक्स की बात करूँ तो क्या उसमें कितना चेंजेस आ जाएगा? देखेंगे, जो रेनफॉल है वो हमारे पास आज तक के लिए ही है, और कल सवेरे तक ही रेनफॉल एक्टिविटी जो चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद हमारे पास आसमान साफ हो जाएगा। लेकिन एक दो दिन तक चूँकि हमारे पास हवाओं की स्पीड में उतनी वृद्धि नहीं हो रही है, फिर 9 और 10 तारीख में थोड़ी सी हवाएँ तेज़ चल सकती हैं, उस समय एयर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सर, क्योंकि अक्टूबर का महीना देखा पोल्यूशन भरा रहा, नवंबर में भी जो है आसार इसी तरीके के बने नजर आ रहे हैं कि नवंबर खत्म होने से पहले पहले दिल्ली में राहत लोगों को मिल पाएगी, क्योंकि फिलहाल के आसार देखें तो पराली का असर तो देखने के लिए मिल ही रहा है। जब तक ये हमारे पास पराली बर्निंग चलती रहेगी तब तक उस समय अगर हवाएं वहाँ से पंजाब हरियाणा चलकर दिल्ली NCR तक आ रही हैं और हल्की हवाएं चल रही हैं तो उसका असर निश्चित तौर पर रहेगा। तो ये थे हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हवाओं के परिवर्तन के साथ दिल्ली में प्रदूषण लेवल भी कम होगा, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अभी हल्की बारिश हो रही है उससे असर को देखते हुए अभी स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता है कि प्रदूषण का लेवल दिल्ली में कम होता दिखेगा या नहीं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं भावना, आनंद टीवी दिल्ली।